आपका चैनल मैं हूं देवरत्न अग्रवाल और यहां पर आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैंने पिछली बार आपको लेनोवो के डायग्राम आपको थोड़े बहुत दिए थे जिसमें आपने फायदा उठाया होगा उससे। सर्किट डायग्राम से हमें फायदा होता है, हम सर्किट डायग्राम से एक मोबाइल से हम हजारों मोबाइल का सर्किट रीड कर सकते हैं। तो वैसे ही कुछ आज नए Xiaomi के मैं स्कीमेटिक डायग्राम आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें यहाँ पर आप इस ये जो लिंक है ये मेरी वेबसाइट की लिंक है, ये आपको वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएगी, इसी के अंदर आपको इसको डाउनलोड करना होगा। इसमें आपको मिलेंगे जैसे कि देखो Redmi Note 7 का डायग्राम, 5A हो गया, Redmi Note 4, MTK और Qualcomm के दोनों वर्जन, वर्जन 1 वर्जन 2 जो आते हैं हैंडसेट, 4G हो गया, 6A हो गया, MIA1 हो गया, तो ये सब और भी इसमें डायग्राम इसमें डाले हुए हैं। तो ये लिंक यहाँ पे शेयर की हुई है मैंने, तो आप इस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी। इसमें कोई भी आपके किसी प्रकार के ऐड या वगैरह ये नहीं है कि मैं ऐसी लिंक के बिल्कुल शेयर नहीं करता जी, 10 टाइम उसको क्लिक करो और 5 मिनट वेट करो फिर वो घूमेगी और फिर इसको क्लिक करो उसको क्लिक करो, ये सब धंधेपन मैं हम लोग करते नहीं बेसिकली। और आपने कोई सा भी जैसे Redmi 6A हो गया, इसको डबल टिक करना है और इस डायग्राम को डबल टिक करना है, तो आपको इस तरह से इसका डायग्राम से यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा और ये जो डायग्राम है ये आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट में, आपने नीचे लिंक दे दी है, लिंक में जाइए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। आप इसको पूरा फोल्डर भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो और इसी तरह नए नए अपडेट आपको हम मिलते जाएंगे। और अगर आपने Lenovo के डायग्राम डाउनलोड नहीं किए हैं तो ये लिंक को क्लिक कीजिए और Lenovo के डायग्राम भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका वीडियो भी यहाँ पर डाला हुआ है। तो ये वीडियो में आपको पूरा यहाँ पर Lenovo के वीडियो, Lenovo के कैसे डायग्राम यहाँ पर डाउनलोड करना है ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई है और कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे कोर्स की यहाँ पर दी हुई है जिसमें सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, आईफोन और EMMC या बाकी किसी भी चीज़ के लिए हमारी कॉलिंग जो मैनेजमेंट है वो चालू है, घर से ही वो सारे फ़ोन पिकअप कर रहे हैं। सो आप हमारे दिए हुए नंबर पर 12 और 5 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। जो भी हमारे 28 मार्च या 28 अप्रैल के जो स्टूडेंट हैं वो अपने कन्फर्मेशन कर सकते हैं कि कब उनको आना है या जो भी स्थिति जो भी चल रही है उसमें क्या इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और कब कैसा हमारे नए बैचेस या जो भी पुराने जो बैच है जो हमारे लग नहीं पाए कोरोना के चलते, तो वो कब लगेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं और बहुत जल्द आपको कुछ नए अपडेट करने वाले हैं। और अभी मैं एक लेटेस्ट वीडियो इसमें अपलोड करूंगा, कुछ ओप्पो का एक सर्किट आपको जो बताऊंगा जो अभी भी यूट्यूब में बिल्कुल नहीं है पूरे में, जिसमें आपको कुछ नया मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में शेयर कीजिएगा, जितना आप शेयर करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है कि और भी दूसरों तक ये चैनल और इसका ज्ञान दूसरों तक फैले। थैंक यू वेरी मच, कीप अपडेटिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप योर सेल्फ एट होम। थैंक यू वेरी मच। 22 फरवरी का बैच, और जैसे कि मैं हमेशा से बोलता हूँ ये वीडियो हमारा हमेशा इसलिए बनता है क्योंकि हम दिखाते हैं कि 5 दिन में हमने कितना हमारे स्टूडेंट को सिखाया हुआ है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कौन कौन यहाँ पर ऐसा है जिसको रिवॉल्विंग आती है, हाथ खड़ा करके बताइए। आप लोगों ने रिवॉल्विंग यहीं सीखी है कि यहीं सीखी आपने? ठीक है, अगर मैं यहां से पूछूं किस किस ने यहां पे लाइव मोबाइल में से CPU निकाल के लगा के उसको चालू किया हुआ है यहां पे बताइए। आप सभी ने एक चालू हैंडसेट में CPU निकाल के लगा के किया हुआ है। चलिए ठीक है, अब मुझे वो बताइए कि किसने 2 बार से 3 बार से ज्यादा बार किया हुआ है, हाथ खड़े करके बताइए। एक बार अपने नंबर बताइए खड़े होकर जल्दी जल्दी। तीन है, दो बार नंबर बताइए खड़े होकर। तीन बार सर, दो बार सर, छह बार किया आपने? आपने सही में 6 बार किया है, फेक तो नहीं है? दो बार जो आता है उसमें दो ग्राउंडिंग होती है, तीसरा जो आता है उसमें दो ग्राउंडिंग होती है, ब्लैक कलर की लाइनिंग होती है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम, मेरे साथ में है 28 जनवरी का बैच और ये कितने दिन का आउटपुट बना रहे हैं हम? पांच दिन का हम आउटपुट बना रहे हैं। और यहाँ सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किन किन लोगों ने यहाँ रिबॉलिंग सीखी है बताइए। किन किन लोगों ने यहाँ पर रिबॉलिंग सीखी है? सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि किन किन लोगों ने लाइव मोबाइल से CPU निकाल के उसको वापस चालू किया हुआ है यहाँ पर, चलिए एक बार नंबर बताइएगा जितने एक से ज्यादा बार किया है बताइए, एक एक करके बताओ। दो बार, पांच बार बनाया है, पांच बार, बोलते जाओ नंबर, बोलते जाओ। और यहाँ पर दो बार, आप फ्रेशर हैं,
कितने लोग यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर हैं जिन्होंने आज तक आईसी पे कभी काम नहीं किया है, यहाँ पे हाथ उठाइए। मतलब आप लोग साथ में है 28 दिसंबर का बैच। और सबसे पहले मैं यहाँ शुरुआत करना चाहूंगा कि यहाँ पर हम कितने दिन का आउटपुट दे रहे हैं बताइए। 5 दिन। सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि 5 दिनों में किस किस को आईसी रिबोलिंग करना यहाँ सीखा है, किस किस ने हाथ उठा के बताइए। यहाँ पर आईसी रिबोलिंग करना सीखा है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, हाथ नीचे कीजिए। आप में से कौन कौन फ्रेशर है जिसने बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब मुझे बताइए किस किस ने लाइव मोबाइल में से सीपीयू निकाल के लगाकर चालू किया है सेट को। एक हो गया डेड मोबाइल से लगाना, एक हो गया चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाल के वापस को चालू करना, आप सबने, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब अपने नंबर बताइए कि किसने एक से दो से एक ज्यादा बार किया है, जैसे किस किसने किया है, एक बार हाथ उठा के बोलिए बताइए। मैंने चार बार किया, 5 बार, 3 बार, 2 बार, 3 बार, 6 बार किया, 5 बार, 3 बार किया, 4 बार, 6 बार, 3 बार किया, 3 बार, 2 बार, 2 बार। फिर अरे वकार खान ने भी 2 बार किया है, वेरी गुड। 7 बार, वेरी गुड। 2 बार, 3 बार, 2 बार, 2 बार। जो अपना बोल नहीं पाए वो बोले प्लीज। 6 बार किया आपने, 4 बार किया है, वेरी गुड। 5 बार, 2 बार, इसमें से 2 बार, 2 बार। तुम तो फ्रेशर हो ना बिल्कुल। 2 बार कि वो लोग हाथ उठाओ जो फ्रेशर थे, बिल्कुल जो फ्रेशर आए थे बिल्कुल। आप में से फ्रेशर कौन है जिन्होंने काम नहीं किया है? सो आप लोग इतने सारे लोग फ्रेशर है, ठीक है। सो आप जैसे कि देख रहे हो कि इतने सारे लोग फ्रेशर है, अब उनमें से आप लोग हाथ उठाओ किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, आप सबको रिबॉलिंग आती है। यस सर भी बोलना है एक बात, ठीक है। अच्छा ठीक है, नीचे के लिए आप किन किन ने वन टाइम सीपीयू निकाल कर वापस लगा के ऑन सेट में उसको चालू किया हुआ, हाथ उठा के बताओ। सो यहाँ पर वन टाइम सीपीयू निकाल के अब एक बार अपने नंबर बता देना अगर किन्होंने एक नंबर से ज्यादा किया है, नीचे रख लो। कौन कौन ने ज्यादा किया है एक बार नंबर बोल दो अपना। 8 बार बैठे रहकर, 8 बार किया तुमने। 3 बार, 2 बार, 2 बार। नंबर बोलते रहो। 2 बार, 2 बार। नंबर बोलते रहो बस। 14 बार, 14 बार। क्या बात कर रहे हो इतना? 2 बार किया। ये फेक तो नहीं बनना है, बताओ। 3 बार ऑन मोबाइल में, बिल्कुल आपने किया है। कौन कौन लोग है जिन्होंने रिबॉलिंग आती है जिनको, हाथ उठाइए। जिनको रिबॉलिंग आती है, सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, चलिए ठीक है। हाथ नीचे करिए। किस किस ने यहाँ पर चालू मोबाइल में सीपीयू निकाल के उसको फिर से चालू किया है, हाथ उठाइए। तो यहाँ पर सबने चालू किया है। यहाँ पर 5 दिन का आउटपुट बता रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन की, 5 दिन में। अभी 30 दिन की क्लास है, नीचे रख लो हाथ। 30 दिन की क्लास है और आपने सिर्फ 5 दिन में बता रहे कि आपने किया। किसने एक से ज्यादा बार किया, आपने नंबर बोलिए, हाथ उठाइए, नंबर बोलिए। 5 बार आपने सीपीयू निकाल के लगा के चालू किया। मैंने 6 बार, 6 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 2 बार। बोलते जाओ, नंबर बोलते जाओ। 3 बार, 5 बार, 4 बार, 2 बार, 6 बार, 5 बार, 5 बार, 5 बार, 3 बार, 2 बार, 2 बार। तो यहाँ पर आप लोग ने 2 बार, तो 4 बार यहाँ पर। ये जो आप मुझे अपना रिव्यू दे रहे हैं, क्या वो फेक तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर्किट डायग्राम के। अच्छा, किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा, मुझे बताओ। सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिसका हमने Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.